तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में। उसका मतलब क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अभी तक हमने रिमाइंडर के बारे में पढ़ा है पिछली वीडियोस के अंदर। रिमाइंडर का मतलब फिर से एक बार मैं आपको बताऊंगा। रिमाइंडर का मतलब होता है एक्स्ट्रा पार्ट जो बच जाए। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं, खाने की प्लेट में 5 रोटियां हैं लेकिन आपने खाई 4। आप खाते हो 4, तो आप क्या बोलोगे मम्मी को, मम्मी 1 रोटी एक्स्ट्रा बच गई। समझ में आई बात, दैट एक्स्ट्रा पार्ट इज कॉल्ड रिमाइंडर। लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर, थोड़ा सा अगर आप प्रेशर लगाओगे दिमाग के ऊपर तो आपको समझ में आएगा। नेगेटिव रिमाइंडर होता है कम पड़ जाना। मतलब कि आप खाते हो 4 रोटियां लेकिन आज आपकी प्लेट में सिर्फ 3 रोटियां हैं, तो आप क्या बोलोगे कि मम्मी 1 रोटी कम पड़ गई और लेकर आओ। बात समझ, यही है नेगेटिव रिमाइंडर। अब इसको पढ़ते हैं मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर। जैसे कि मैंने क्या किया, 43 को डिवाइड किया 5 से। 43 को 5 से डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन आता है 8। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल रिमाइंडर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपका रिमाइंडर आएगा 3। अब मैं आपसे पूछूंगा, इस नंबर को 43 को 5 से डिविजिबल बनाने के लिए आपको कितना कम से कम ऐड करना पड़ेगा। आप क्या बोलोगे, सर अगर 43 के अंदर मैं 2 ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा 45, और 45 5 से डिविजिबल है। तो यहां मेरा स्टेटमेंट ध्यान से समझना, 43 5 का डिविजिबल मल्टीपल होता अगर उसके अंदर 2 कम ना पड़ता तो। मतलब 2 की कमी रह गई, तो यहां पर नेगेटिव रिमाइंडर है आपका 2, और सिंस ये नेगेटिव है तो साइन लगा दूंगा -2 का। एक और एग्जांपल लेंगे, अगर मेरे पास यहां पर नंबर लिखा हुआ है, लेट्स से 32, और मैं इसको करूंगा 6 से डिवाइड। 32 डिवाइड बाय 6 आप करके देखना, ये आपका रिमाइंडर आएगा, इसको हम पॉजिटिव रिमाइंडर बोलते हैं 2। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि मैं इसके अंदर कितना ऐड करूं कि ये नंबर 32 डिविजिबल हो जाए 6 से। आप क्या बोलोगे, सर 4 को ऐड करते ही, 4 को ऐड करते ही ये नंबर बन जाता है 36। यानी कि अगर 4 कम ना पड़ता तो 32 6 से डिविजिबल होता। तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आपका 4, या फिर मैं इसको नेगेटिव बोल रहा हूं तो यहां माइनस साइन लगाइए। अब पढ़ते हैं इसका फॉर्मूला, फाइनल फॉर्म। देखिए हमने क्या किया है, यहीं पर देखते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक है। और इसमें मैंने प्लस किया माइनस टाइम्स ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। बात समझ में आई, इज इक्वल्स टू 2 + 4 कितना होता है 6, ये क्या है डिवाइजर। 3 + 2 कितना है 5, ये है डिवाइजर। तो यहां से हम फॉर्मूला बनाएंगे। बात क्लियर। तो अब नेगेटिव रिमाइंडर का फॉर्मूला निकल कर आता है फाइनली, नेगेटिव रिमाइंडर बराबर पॉजिटिव रिमाइंडर माइनस डिवाइजर। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था क्वेश्चन आपका, 43 डिवाइड बाय 5, और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, 32 डिवाइड बाय 6। बात समझ में आई, यहां रिमाइंडर था कितना पॉजिटिव 3, और यहां कितना रिमाइंडर था 2। अब फॉर्मूला लगाते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर बराबर पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है 3 माइनस डिवाइजर कितना है 5। आंसर कितना आया था -2, करेक्ट है। यहां पर नेगेटिव रिमाइंडर निकालेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है 2 माइनस डिवाइजर कितना है 6, आंसर आया -4। बात समझ में आई। अब इसके बाद जो एप्लीकेशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे कि इसके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर मजा आ जाए तो क्या करना है, आंख की तरह फैला दीजिए।